पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह 84 घंटा मंदिर पहुंचे और आम सभा करने से पहले भोले बाबा के दर्शन किए, फिर जनसभा आरंभ की। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरे देश में विकास किया है और आगे भी विकास करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश को बहुत बड़ा नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना, गाँव में बिजली के कनेक्शन और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है। इसी के आधार पर उन्होंने जनता से वोट भी मांगे। माननीय सांसद सुकुमार सर्वेश सिंह का हमने स्वागत अभिनंदन किया। आने वाले लोकसभा चुनाव 2020 के चुनाव में लोकसभा प्रत्याशी माननीय सांसद कुमार सर्वेश सिंह का यहाँ पे अभिनंदन स्वागत किया गया। और सर्वेश कुमार जी हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चल रही है, भाजपा जी मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार। उसी कड़ी में हमने माननीय सांसद जी को यहाँ बुलाया और माननीय सांसद जी का यहाँ पे सारे क्षेत्रवासी ने उत्साह बड़े मौके का स्वागत किया। साथ ही ये निर्णय लिया यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर कि भाई आज एक एक वोट हमें माननीय सांसद सदस्य देना है और उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है, भाजपा की सरकार बनानी है। उसी के लिए आज यहाँ पे स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम माननीय सदस्य सिंह का हमने करा और इस मीटिंग का द्वारा आपकी बात भाजपा सरकार आपकी बात जनता से अभी करना चाहेंगे कि 23 अप्रैल को पहले मतदान को जलमान एक वोट कीमती है, एक वोट से ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चलेगी। इसलिए इस बार अपना वोट जाया ना करें, ये ना सोचें कि एक वोट से क्या होने वाला है। हर एक आदमी का वोट इंपॉर्टेंट है। मंगल का दिन आज पोलिंग होने वाला है, इसलिए मंगल के दिन शहर से बाहर में रहें, अपने शहर में रहें, अपना वोट डालें और वोट का इस्तेमाल करें। हर वोट कीमती है, उस वोट का इस्तेमाल करें, अपनी सरकार का बनानी है, भाजपा की सरकार लानी है। अपने वोट को एक एक वोट पर डालें और एक एक वोट पर डालेंगे जो भी भाजपा की सरकार बहुत बहुमत से बनानी है। हर वोट को कीमत समझिए।